सरकारी राशन को लेकर लोगों में रोष प्रकट हो रहा है। यहाँ हम मौजूद हैं जो रसूलपुर चौक रसूलपुर रोड है, जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पर राशन सरकारी राशन बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से कतार लगी हुई है राशन लेने वालों की। और वहीं लोगों को आरोप है राशन बांटने वाले पर कि जो एरिया जहाँ राशन बंटना चाहिए वहाँ राशन नहीं बट रहा, लेकिन लाइन पार करके राशन बट रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि लाइन पार करके राशन बट रहा है लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये प्रशासन को सोचने की बात है। बाकी आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के साथ किस तरीके से यहाँ भीड़ का माहौल है और सरकारी राशन लेने के लिए यहाँ लोग पहुँचे हैं। बाकी लोगों के भी काफ़ी आरोप है, लोगों से बात कराने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के जो डिपो धारक हैं उनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अंगूठे का निशान लगाया जा रहा है और यहाँ राशन वितरित किया जा रहा है। डिपो धारक उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आइए एक मिनट, क्या नाम है जनाब? संतराम। संतराम जी आप यहाँ राशन बांट रहे हैं लेकिन लोगों का कहना है जो एरिया है वहाँ राशन नहीं बट रहा लेकिन दूसरे एरिया में आके राशन बट रहा है, क्या मामला है पूरा? ये पुल की वजह से दिक्कत थी, पुल का काम चल रहा है, उधर रास्ता खराब था, इसकी वजह से वहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही थी जिस कारण हमें यहाँ दुकान लेनी पड़ी और यहाँ बांटना पड़ा। लोग यहाँ राशन आते हैं ले जाते हैं, वहाँ अब रास्ता ठीक हो गया है, अब आगे इसे वहीं बांट दिया करेगा। बात करूँ मैं कि लोगों का ये भी कहना है और जो डिपो धारक है उनका राशन पहुँच रहा है लेकिन आपका ही राशन उस साइड नहीं पहुँच रहा। अब हम पहुँचा दिया करेंगे, अगले महीने पहुँच दिया करेगा, वहीं बांटेंगे। मैंने लोगों से पहले बोला था अब ये मैं अगले महीने से वहीं बांटेंगे राशन, हम अब यहाँ का काम खत्म करके फिर वहीं बांटे देगा। बात करें मशीनों से पर्चियाँ क्यों नहीं निकल रही, क्या कारण है? ये मशीन का टेक्निकल फॉल्ट है, हम निकालते हैं बार बार मशीन रुक जाती है और जिसलिए कारण मशीन की पर्ची ना दे पा रहे, वो सही करा के पर्ची हम आगे से दे दिया करेंगे। तो जिनको अनाज पूरा मिल रहा है वो आप चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं राशन कार्ड धारक से, किसी को अनाज कम नहीं मिल रहा है, डबल मिल रहा है, पूरा दे रहे हैं राशन कार्ड, तसल्ली कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। डिपो किसके नाम है? डिपो अनिल के नाम है जी, मैं उसमें नॉमिनी हूँ जिसको मैं चला सकता हूँ, सरकार ने अधिकार दे रखा है एक नॉमिनी डिपो चलाने का। वो तो अधिकार दे रखे हैं, चला सकते हैं जी। बाकी हम यहाँ के जो कार्ड धारक हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या परेशानी इन लोगों की जो हमें फोन करके बुलाया है इन लोगों ने जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? माया देवी। क्या परेशानी, कोई परेशानी है राशन को? एक दिन ही बांट के चले जाओ, चाहे न लियो चाहे ना लियो। अच्छा। ना चीनी मिलनी ना तेल मिल लो। कार्ड जो डिपो धारक है गेहूँ आएगा चीनी आएगा वो उनका बांटने का पूरा होया कि बांट के ही जाएंगे? बांट के जामे, एक दिन ही बांट के जामे, दूसरे दिन दे में ना रह जाता, दे में ही ना आए। कभी ऐसा हुआ है आपको राशन नहीं मिला हो? एक बार ना मिला, कई बार मुझको तो। अच्छा। हाँ आज रात रहता रहता ना आमे तो ना दे। फिर कितने मेंबर आपके कार्ड में? चार मेंबर। कितना गेहूँ मिलता है? 40 किलो। 40 किलो। हाँ अच्छा, यही आपकी परेशानी है जी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मगन सिंह मेरा नाम है। ना चीनी मिलती है ना तेल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ राशन मिलता है। हाँ पैसे अकाउंट में आ रहे हैं? हाँ 250 रुपये आते हैं। 250 रुपये वो सरकार। हाँ हाँ। बाकी हम गेहूँ की बात कर रहे हैं। हाँ वो गेहूँ पूरा मिलता है। हाँ, कम्प्लीट। अरे पर्ची निकाल के नहीं दे रहे, आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है कोई ऐसी। गेहूँ पूरा मिल रहा है? पूरा मिल रहा है। हाँ गेहूँ पूरा। मैं एक बात करूँ, लाइन पार इनका राशन बटना चाहिए लेकिन लाइन के इधर पार बट रहा है, क्या कहोगे इस बात? परेशानी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशानी। अगर मान लो रेल के पटरी पार करते हुए तक ट्रेन वगैरह कोई आ जाए तो किसका परेशानी है, बहुत परेशानी हो रही है इसके लिए। दिक्कतों का सामना करना, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि इसको है ना परली साइड बटवाओ तो बहुत ही अच्छा होगा इस चीज के लिए। जी और भी कार्ड धारक है उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ भीड़ का माहौल है, हम थोड़ा बाहर जाके बात करेंगे इन लोगों से, क्या कहना चाहिए जी। जी हाँ एक सवाल और है, जरा पूछ लेते हैं जी। संतराम जी मैं बात करूँ, ये दो मशीन क्यों रखी हुई है? दो मशीन इसलिए रखी हुई है, ये एक मशीन में राशन कम है, एलोकेशन कम आई थी जिसके कारण से हमें दूसरी मशीन में से इनका राशन पूरा करके देना हमें, ताकि इनको दोबारा परेशान ना होना पड़े। ये मशीन खत्म होने के बाद इस मशीन में माल निकाल देंगे, जो उस मशीन कम पड़ेगा तो उस मशीन इसमें से पूरा कर देंगे ताकि राशन कार्ड धारक परेशान ना हो। ठीक है जी, डबल रख रहा है जी। पर्ची आपको मैंने पहले बताया, दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, मशीन में फॉल्ट की वजह से बीच मशीन बैक मार जाती है, हैंग हो जाती है, इसलिए कारण यह होता है कि मशीन गर्म होने के कारण पर्ची नहीं निकाल पाते हम। अगर पर्ची नहीं निकालेंगे तो मशीन कंटिन्यू चली जाएगी, अगर निकालेंगे गर्म होने की वजह से मशीनों में हैंग हो जाती है, फिर परेशानी होती है उनको। लगभग लगभग आप ये समझ लो ऐसा होता ही है हर मशीन के साथ। आपने किसी इंजीनियर को दिखाया है?
हाँ कम, हाँ हाँ इस बात है, मेरी एक मशीन भी आज भी मेरी कंप्लेंट लगी खराब हुई है, जिसका माल मैंने ट्रांसफर करा रखा है, आज मेरी मशीन खराब है, मेरी मशीन एक भी इसी कारण से। और भी कार्ड धारक हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहोगे आज भाई साहब? जुड़े रहिए लाइव तस्वीरों के साथ। बाकी जी भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप नाम है सर। संदीप जी कहाँ से हैं आप? मैं हरिनगर से जी। लेकिन राशन तो बट रहा है सर इधर लाइन पार करके, क्या परेशानी है इसको? परेशानी है देखो, लाइन बीच में बूढ़े बड़े सब आते हैं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे आते हैं, ठीक है। अगर कोई कट जाए, मानो आप अगर कोई कट जाता है उसकी जिम्मेदारी ये लेते हैं? अगर नहीं लेते क्यों आएंगे? हमारा राशन वही बटना चाहिए ना जनाब। हमें ये भी नहीं पता आज तक कि हमारे हरिनगर का डिपो होल्डर कौन है, जाके राजनीति वाके डिपो होल्डर, मतलब ये नहीं पता कि आज तक कौन कौन हमारे एरिया का डिपो होल्डर है कौन नहीं है जी। जो हमारी जिनकी राजनीति पॉलिटिक्स बाजी के बारे में, मतलब यहाँ वही राशन बांटना शुरू कर, ये राशन बांट रहे हैं इनके पास डिपो नहीं है, ये हमें नहीं पता कि है या नहीं जी। सर कहीं नहीं आ रहे हमारे पैसे, तक तेल वेल के गेहूँ पूरा मिल रहा है? गेहूँ पूरा मिल रहा सर। पर्ची नहीं दे रहे आपको? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये हमको ना तो तेल के पैसा मिल रहे, चीनी भी नहीं आ रही। हरिनगर से आप यहाँ गेहूँ राशन लेने आए हो, क्या दिक्कतें आई रास्ते में? अभी फाटक की सबरी गिर जाए मर जाए, अब यहाँ 20 साल है गए हमारे आदमी मरे, हमें वैसे ही राशन कार्ड है, तेल के पैसे भी ना रहे हमारे अकाउंट में, नहीं आ रहा। नहीं है सरकार कह रही है 250 रुपए अकाउंट में डालेगी, नहीं आया। फैमिली आईडी आपने अपडेट कराई या नहीं कराई? फैमिली आईडी से ही सारे अकाउंट में क्या करवाना पड़ेगा? भैया मेरा तो राशन कार्ड ही नहीं है, मुझे 10 साल राशन कार्ड नहीं है तो आप देखो जी, पोर्टल पे जाके बनेगा राशन कार्ड, तो पोर्टल पे जाके राशन कार्ड बनेगा, वो तो हम भी नहीं बनवा सकते, आप ही करोगे जो बनेगा ना, आप आ जाओ। बताओ भाई, भाई एक दिन नाच बांटता है जी, फिर दूसरी बात नोर एटता है सकता है, वो घर कोई बेचारा कोई कैसे सकता है वो करता है। आप सब बोलते हैं? हाँ जी, लोग कहते हैं यहाँ कोई नाच नाचे हम बांटेंगे नहीं, तुम क्या करेंगे हमारे ये बात, और तुम क्या कर ले। आपने सुना कार्ड धारक की शिकायत हुई है डिपो धारक के खिलाफ, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ना तो यहाँ पे कोई स्टॉक मेंटेन है, ना ही कोई बोर्ड है, ना ही डिपो होल्डर का कोई नाम है, ना नंबर है, ना ही लाइसेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन सरकार के आदेश हैं अगर ये चीज़ किसी डिपो धारक पे ना लगी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। बाकी जो यहाँ के प्रशासन अधिकारी हैं, डिपो जो डिपो के जो इंस्पेक्टर हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, DFSO है, उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। बाकी और भी लोग मौजूद हैं जी। दादी बताओ क्या कह रही हो? मेरे बाबू जी इतने साल मरे, 25 साल आदमी मरे है, आज तक मेरे तो वैसे कार्ड है, बस राशन नाज नाज मिले। अच्छा। हाँ। नाजू नाज हमें मिले भाई बाबू जी। अच्छा। नाजू नाज मिले बस। नाज तो मिलता है लेकिन वो काम हमारा भी नहीं है, ये तो आप लोगों को ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जी देंगे हम देंगे। आप ऑफिस में जाके मिलो, उसके बाद ये आपका काम होगा। और भी कोई कुछ कहना चाहता है जी? जी देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के साथ लंबी कतार लगी हुई है और धूप भी चिलचिलाती हुई है, बाकी बाहर भी कोई तिरपाल नहीं है जिससे लोगों को कुछ राहत मिले लाइन में लगे हुए, बाकी गर्मी का भी माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि राशन जहां बटना चाहिए वहां राशन नहीं बट रहा, दूसरे एरिया में जाके राशन बट रहा है, जिसके चलते लोगों को लाइन पार करके आना पड़ता है। अगर कल को कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हर डिपो धारक तक पहुँचे, हर प्रशासन अधिकारी तक पहुँचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।